नमस्कार प्राग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। एमपी के रीवा में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने होली की सभी को दी बधाई, कहा मिलजुल कर मनाए त्यौहार। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने मीडिया के माध्यम से सभी जनमानस को होली की शुभकामनाएं दी हैं और लोगों से अपील की है कि सभी लोग मिलजुल कर होली का त्यौहार मनाएं। एडिशनल एसपी ने खास तौर पर बताया है कि होली के दिन ही 2 बजे के बाद मुस्लिमों का त्यौहार भी चालू है, सभी हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाए रखें और मिलजुल कर त्यौहार मनाएं। रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की रिपोर्ट। निश्चित रूप से 2 साल के बाद कोई त्यौहार है जो लोग मनाने जा रहे हैं, और होली का त्यौहार निश्चित रूप से बहुत ही मिलजुल के मनाने वाला त्यौहार रहा है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि होली में लोग दुश्मन भी दोस्तों की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, दुश्मन भी दोस्तों की तरह मिलने लग जाते हैं। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलजुल के होली मनाएं। हमारा रीवा जो है सांप्रदायिक रूप से बहुत ही सामान्य ज़िला है और इसमें कहीं कोई इस तरह की घटनाएँ नहीं होती हैं, लोग मिलजुल के रहते हैं। फिर भी होली के दिन ही जुमे की नमाज का भी वक्त रहेगा, 12:30 से 2:30 बजे के आसपास मुस्लिम भाई भी बाहर निकलेंगे। तो लोगों से अनुरोध और अपेक्षा है कि जब वो नमाज के लिए जाएं तो उनके ऊपर ज़बरदस्ती रंग डालने का प्रयास ना करें। बच्चे वगैरह रहते हैं, अगर कहीं कोई गलती से किसी बच्चे के द्वारा किसी ऐसे मुस्लिम भाई के ऊपर रंग चला भी जाता है तो निश्चित रूप से उसको भी इसकी और ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और बच्चे समझ के मामले को शांतिपूर्वक तरह से निपटा लेना चाहिए। पुलिस के लोगों को ये हिदायत दी गई है कि वो लोग लगातार ऐसे क्षेत्रों में भ्रमण करते रहेंगे और साथ ही साथ व्यवस्था बनाए रखने में सख्ती से ऐसे लोगों से निपटेंगे जो उद्दंडता करने के लिए बिना मतलब में शहर में मोटरसाइकिलों से नशा करके 3-3 बैठ के घूमने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। महिलाएं, बच्चे, परिवार के लोग शांतिपूर्वक तरीके से अच्छे से होली मना सके, इसके लिए शहर में बहुत ही सख्त व्यवस्था की गई है।